हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल इजी लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा जादुई पानी जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों की लंबाई को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप भी अपने हेयर को लॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए आपको कैसे बनाना। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है लोहे का बर्तन। आपको भी लोहे के बर्तन में ही इस पानी को बनाना होगा, क्योंकि लोहे में बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों को ये काला, घना और लंबा बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिया है लोहे का बर्तन। अभी मैंने इसमें साफ जो पीने का पानी होता है वो एक गिलास ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है आंवला पाउडर। तो इसमें आपको आंवला पाउडर का ही प्रयोग करना है। तो आपको इसमें 1 से 2 चम्मच आंवला पाउडर का ऐड करना है। फ्रेंड, अगर आप आंवला यूज़ करते हैं तो ये हमारे बालों को लंबा बनाता है, साथ ही काला बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है शिकाकाई पाउडर। हम इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं वो पाउडर ही है, क्योंकि पाउडर का प्रयोग करके हम इस पानी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया था वो था आंवला पाउडर। अभी मैं इसमें जो लेने वाली हूँ वो है शिकाकाई पाउडर। तो ये आपको किसी भी पतंजलि दुकान पे या फिर किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा, तो आप खरीद सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच आंवला पाउडर और मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर। फ्रेंड, ये जो पानी है इसका प्रयोग अगर आपने 1 महीने तक कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बालों की लंबाई में आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आने वाला है। फ्रेंड, तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है रीठा पाउडर। जी हाँ, रीठा एक नेचुरल शैम्पू का भी काम करता है। ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच रीठा पाउडर। आपको इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग करनी है वो पाउडर में ही करनी है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं रीठा पाउडर भी आपको किसी भी पतंजलि शॉप पे या फिर आयुर्वेदिक दुकान पे बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो मैंने इसमें आंवला पाउडर, शिकाकाई और अभी मैंने इसमें ऐड किया है वो है रीठा पाउडर। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अभी आप चाहें तो आप इसमें नीम पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर आपके स्कैल्प पे ईचिंग होती है या फिर आपको आपके स्कैल्प पे बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है या आपके स्कैल्प पे बहुत ही छोटे छोटे से जो दाने होते हैं वैसे अगर निकल रहे हैं तो आपको इसमें नीम पाउडर मिलाने की ज़रूरत है। और हाँ फ्रेंड, ये आपके जो सर में जू और लीकों की प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको ये छुटकारा दिलाने वाला है। तो आप चाहें, अगर आपके पास है तो आप इसमें नीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप नीम की पत्तियाँ लें, उन्हें पानी में डाल के अच्छे से उबालें, फिर आप इस पानी की जगह पे उस पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आपको इसमें ऐड कर देनी है, जैसे कि आंवला, रीठा और शिकाकाई। पानी आपको ले लेना है नीम का। तो अगर आपके पास नीम का पाउडर नहीं है तो आप इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। अभी मैंने इसे रख दिया है पूरे 2 से 3 घंटे के लिए और देख सकते हैं ये पानी कैसे ब्लैक हो चुका है, मतलब कि इसमें बहुत ही अच्छे से आयरन अप आ चुका है। और आंवला, रीठा, शिकाकाई साथ में नीम का पाउडर और ये लोहे के बर्तन में बनाया हुआ, जिससे कि आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। अब आपको इसको प्रयोग करना कैसे है? फिर इसके लिए आपको चाहिए होगा शैम्पू। शैम्पू आप अपनी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पानी को तैयार कर लेना है, फिर आपको इसमें अपनी मनपसंद का शैम्पू ऐड कर देना है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिया है सनसिल्क शैम्पू। आपको जो भी शैम्पू अच्छा लगे, आपको सूट करता है, आप शैम्पू इसमें मिला सकते हैं। तो आपको 1 से 2 कटोरी पानी लेना है और उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको शैम्पू ऐड कर देना है। फिर आप इसी पानी से अपने बालों को जब धुलेंगे ना तो देखेंगे कि आपके बालों की खोई हुई चमक भी वापस आ जाएगी। और आपके बालों की अगर लंबाई रुक गई है एक जगह पे आके तो आपके बालों की लंबाई बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके स्कैल्प पे कोई भी प्रॉब्लम है वो भी सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें यूज़ किया है नीम का पाउडर। तो फ्रेंड, आप 1 महीने तक लगातार जब भी अपने हेयर को वॉश करें आपको पहले ऐसे पानी बना लेना है, फिर उसमें शैम्पू ऐड करना है, फिर उसी पानी से आपको अपने हेयर को वॉश करने हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो 1 लाइक करें, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास ही में बने बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।